नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता वर्ष में अर्थात 1947 में गुरु रोहिणी भाटे द्वारा प्रस्थापित नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। नृत्य भारती न केवल पुणे की ऐसी सबसे पहली संस्था है, बल्कि अपनी तरह की शायद एकमात्र संस्था है। गुरु रोहिणी भाटे जी ने पंडित मोहनराव कल्याणपुरकर जी से लखनऊ और जयपुर घराने की शिक्षा पाई और स्वर्गीय पंडित लच्छू महाराज जी से लखनऊ घराने की। अपनी अदम्य प्रतिभा और सतत परिश्रम करके इन दोनों धाराओं का सार लेते हुए गुरु रोहिणी जी ने अपनी खुद की एक स्वतंत्र सुंदर समन्वित शैली बनाई। पुणे की या महाराष्ट्र की जो सामाजिक मानसिकता थी उसका सामना करते हुए उन्होंने खुद के लिए कथक नृत्य जगत के गिने चुने अग्रगणी कलाकारों में स्थान प्राप्त किया। उनका अत्यंत ऊर्जा युक्त, कमनीय और रसपूर्ण नृत्य, इसके वजह से वे एक मिसाल बनकर रह गई हैं। आज की इस प्रस्तुति में सबसे पहले देखते हैं उनकी खुद की परफॉर्म की हुई श्री गणेश वंदना और उसके बाद उन्हीं का प्रस्तुत किया हुआ विलंबित तीन ताल। Ah
Muhammad is the first bandish after thought, which I did just now, which is a sort of a personal prayer of an artist. Ahmad, tin, 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 ta. Dhara, dhara, ta, ka, thunga, dhara, dhara. Ge, ti, ge, ta, dhara, dhara. Tin, ta, dhara, de, ta, ke, de, ta, 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 ka, thunga, ta, 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 ke, de, de, ka, ta, ti, ti, ta, giri, ne, ta, 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 ti, ta, de, ya, ta, ta. Hathi tar de de tar de tar de tar de tar 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 जी के इस अद्वितीय नृत्य के बाद उन्हीं की एक दो रचनाएं देखते हैं। कथक के करीब करीब सारे पहलुओं में उन्होंने नया निर्माण किया। कथक की जो प्रस्थापित कक्षाएं थी उनको विस्तारित करते हुए एक अमर्याद रचना संपदा का निर्माण किया। इसी के साथ साथ उन्होंने डांसर्स के कई जनरेशंस को तैयार किया और उनको निर्मितिक्षम भी बनाया। नृत्य भारती की यात्रा बड़ी लंबी रही है और उसमें से एक पड़ाव स्वर्ण महोत्सव गोल्डन जुबिली की एक झलक देखते हैं और उसी को जोड़कर नृत्य भारती आज जो 75th ईयर की तरफ बढ़ रही है, तब नृत्य भारती की अलग अलग शाखाओं में जो युवा कलाकार तैयार हुए हैं, सोलो डांसर बन चुके हैं, उन तक यही रचना किस ऑथेंटिसिटी के साथ पहुंच पाई है उसकी भी झलक देखते हैं। प्रस्तुत है गुरु रोहिणी जी की एक संगीत रचना तथा नृत्य रचना, ता राग बसंत में निबद्ध, ताल दादरा में निबद्ध, तिश्र और चतुश्र जाति में खिलवाड़ करती हुई एक सरगम।
अंत में देखते हैं गुरु रोहिणी जी के एब्स्ट्रैक्ट विषय पे की गई एक नृत्य संरचना। उन्होंने कई कालातीत विषयों पर आधारित नृत्य संरचनाएं बनाई हैं, जिसमें से हम प्रस्तुत कर रहे हैं आकाश। पंच तत्वों के निर्माण में उसके क्रम में आकाश का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, जहां ओम स्फुरित होकर विस्तारित हुआ एक एम्प्टी स्पेस में, जिसकी न कोई शुरुआत है न मध्य न अंत। उपनिषदों में कहा गया है, केवलम विततम शांतम तदनादिगत भ्रमम आद्यंत मध्य रहितम महत्यात्मनि तिष्ठति। ये संपूर्ण नृत्य रचना गुरु रोहिणी जी के संगीत और नृत्य काव्य से सजी हुई है। इसमें वे कहती हैं, आकाश को गगन सधन सरस, इस बामायना पंक्ति के स्वर हैं गगने साधनी सारे सा, अर्थात गगन सधन सरस आकाश। Thank you.
Thank you.